मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे चैनल में आप लोगों को पता ही है कि मेरे किचन में जो भी मैं रेसिपीज बनाती हूँ बहुत ही इजी और घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है उसी से बनाती हूँ, ताकि आप लोग आराम से बना भी सको। और मेरी रेसिपीज बहुत इजी होती है ताकि आप लोगों को रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए आज किचन में चलते हैं और देख लेते हम सब मिलकर कि आज मैं कौन सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। आप लोगों को साउंड से लग ही रहा होगा कि देखिए ये पकोड़े कितने क्रंची बने हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही नरम और घर में सबको अच्छा लगने लगेगा। तो इस ये पकोड़े मैंने किस तरह से बनाए हैं और क्या डाल के बनाए हैं, तो चलिए मेरे साथ किचन में सब लोग और देख लीजिए कि ये कितनी टेस्टी और कितनी नई रेसिपी है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आप तक सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से चलते हैं किचन में। तो देखिए इन कटहल के पीसेस को पहले मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। मैं कौन सी रेसिपी बनाने वाली हूँ ये आप वीडियो में देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। कटहल को मैंने बीज जो है अलग निकाल लिए हैं और उसके बाद इसको इनको मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये जो कटहल को मैंने अभी मैश किया है ये करीबन 1.5 कप की तरह है, तो यहाँ मैं 1 कप मैदा मिलाऊंगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये क्रिस्पी बने, थोड़ा सा ये क्रंची बने, तो इसमें मैं मिलाऊंगी सूजी। मैंने 1/2 कप सूजी ले लिया है और 1/2 कप मैंने चीनी लिया है। कटहल मीठा है तो इस चीनी में थोड़ा सा कम मिला रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऊपर से अगर ये ज्यादा आपको टाइट लगे तो आप दूध डाल सकते हो, पानी का यूज नहीं करना है इसमें। अब फ्रेंड्स फेंटने के बाद थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी मैं इसमें। गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल ही कम कर दिया है और फिर इसको इस तरह से तलेंगे। ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा ही इसको तलना है। इस तरह के पकोड़े जो है पहले भी मैं बना चुकी हूँ। मैं ताड़ के जो होते हैं पकोड़े मैं बना चुकी हूँ, मेरे चैनल में आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने फूले फूले से पकोड़े बने हैं। बीच बीच में गैस का फ्लेम जो है उसको बढ़ाना है और थोड़ी देर बाद फिर से कम कर देना है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। देखिए
पकौड़े का जो कलर है वो बिल्कुल ही जैसा मैं चाहती थी वैसा ही सुनहरे कलर का हो चुका है। गैस को बीच बीच में कम और ज्यादा करके इन पकौड़ों को तलना पड़ता है, वरना ये अंदर से जो है वो कच्चे हो जाएंगे और बाहर से ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पकौड़े एकदम परफेक्टली बन चुके हैं, तो अब मैं इनको तेल से निकाल लूंगी। देखिए कितने खस्ते और कितने अच्छे पकौड़े बने हैं, एकदम परफेक्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये पकौड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं गरम गरम चाय के साथ। मैंने भी ये रेसिपी फर्स्ट टाइम बनाई है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे लगे आपको खाने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।